एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूँ अपूर्वा और मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन फ्लेम के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले बहुत अमेजिंग एक पिंक फ्लेम, पिंक एनर्जी के बारे में बात करी थी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन फ्लेम के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में। बेसिकली ये जो हीलिंग है ग्रीन फ्लेम की, आप अगर आप हीलर नहीं भी हैं, जस्ट इन केस अगर आपने कोई भी हीलिंग मोडालिटी नहीं सीखी है, अगर आप इसमें से नहीं है कहीं से भी, आपने रेकी नहीं की है या फिर कोई भी बहुत सारे ऐसे हीलिंग्स हैं, आपने कुछ नहीं सीखा है, बट स्टिल आप लोग हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है एंड ऑब्वियसली बात है, हर एक कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है सेम टाइप की हीलिंग्स को सीखने में, तो इट्स टोटली फाइन अगर आप किसी हीलिंग को परस्यू नहीं करना चाहते हैं बट स्टिल किसी अपने लव वंस को हीलिंग सेंड करना चाहते हैं, देन इन दैट सिनेरियो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड इस हीलिंग से उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड ये आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको उनके साथ ही होना पड़ेगा, तो आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मैजिकल होंगे। बट और जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं उनकी तरह ये जो हीलिंग है ये भी ट्रस्ट हीलिंग है। जैसे रेकी हुई, अगर आप रेकी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप चाहे कितनी भी अट्यूनमेंट ले लें, आप उस चीज़ को नहीं फील कर पाएंगे, बिकॉज ये सब चीज़ें आपका ट्रस्ट मांगती हैं, ऑकल्ट आपका ट्रस्ट मांगता है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, हर एक चीज़ को यू नो ऐसे प्रैक्टिकली उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो आई थिंक दिस इज नॉट द वन फॉर यू। बट हाँ, अगर आप लोग किसी को हीलिंग सेंड करना चाहते हैं, किसी लव्ड वंस को या फिर खुद को भी हीलिंग करना चाहते हैं, देन अगेन आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी एनर्जी को उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करने वाले हैं सो दैट हम उस पर्सन को अच्छे से हीलिंग भेज सकें। एंड आप किसी को भी हीलिंग भेज सकते हैं इससे, देर आर नो रूल्स कि आप ब्लड रिलेशनशिप को ही इसमें हीलिंग भेज सकते हैं, आप इसे किसी के लिए भी कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जब भी आप किसी को हीलिंग देते हैं मेक श्योर कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज आप जरूर लें, एनर्जी एक्सचेंज होना बेहद ज़रूरी है। आई एम नॉट आस्किंग कि आप मनी के टर्म्स में उनसे कुछ लें, आप सपोज करें कोई चॉकलेट ले लें या फिर कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ उनसे मांग लें या एनी सिंगल थिंग जिससे कि आपका एक यू नो एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, जिससे कि जो आप हीलिंग अगले पर्सन को कर रहे हैं वो उस पर्सन को भी लगे एंड आपका एंड उसका कर्मा भी बैलेंस्ड रहे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। द पॉइंट इज दैट कि माइंड काम होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड बहुत मंकी माइंड है, यहाँ वहाँ भागता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा काम कर ले। एक मेरी बहुत ही फेवरेट पर्सनल फेवरेट टेक्निक है 4-7-8 टेक्निक। 4 पे इनहेल करना है, 7 पे अपनी सांस को होल्ड करना है एंड देन धीरे धीरे 8 के काउंट पे आपने धीरे 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 उसको रिलीज करना है। कभी कभी मुझ पे खुद पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, बहुत बर्डन आता है, तो उस सिनेरियो में ये जो टेक्निक है ये मुझे हमेशा हेल्प करती है, ठीक है। तो आप 4-7-8 टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, लाइक आप इसे 10-12 बार कर सकते हैं, आप खुद से अपने अंदर एनर्जी शिफ्ट्स को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने माइंड में इंटेंशन सेट करनी है। इंटेंशन इज एवरीथिंग। अगर आप लोग बिना इंटेंशन के कोई भी चीज़ करते हैं तो आप समझ जाएं कि आप बिना किसी रीज़न के कुछ भी कर रहे हैं। अपने काम को डायरेक्शन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने क्या करना है, अपने माइंड में इंटेंशन रखनी है कि मैं सपोज करें कि मैं अपूर्वा शर्मा अपने XYZ जो भी फ्रेंड है उनका नाम लेना है जो कि इस दिन पैदा हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, कि इस दिन जिनका बर्थ हुआ है मैं उनके लिए ये ग्रीन एनर्जी को इन्वोक करती हूँ एंड मैं उन्हें हीलिंग भेजना चाहती हूँ, जिससे कि ये जो उनकी सिचुएशन है या फिर वो बीमार है, कोई भी उनकी सिचुएशन आप उसे मेंशन कर सकते हैं, ये उनकी सिचुएशन है मैं इसे हील कर पाऊँ, मैं इन्हें ठीक कर पाऊँ, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, तो इट्स नॉट सी मैंडेटरी कि आप जैसा मैंने वर्ड्स बताए हैं आप वैसे ही फॉलो करें, आप अपनी तरफ से कोई भी इस टाइप की इन्वोकिंग प्रेयर बना सकते हैं। द पॉइंट इज दैट यू शुड फील कनेक्टेड विद योर हार्ट with this particular invocation prayer, ठीक है, that is the point। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने मन से, बट हाँ उस पर्सन का नाम मैंशन करना है एंड जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो चीज़ आपने मैंशन करनी है, अपने इंटेंशन में उसे लेके आना है। एंड इसके बाद जब आप इसे इन्वोकेशन को कर लेंगे, आपने क्या करना है, 3 बार ग्रीन फ्लेम को कॉल करना है, ग्रीन फ्लेम प्लीज़ कम, ग्रीन फ्लेम प्लीज़ कम, ग्रीन फ्लेम प्लीज़ कम, ऐसे करना है एंड कुछ देर तक चीज़ों को फील करना है अपने आसपास क्या हो रहा है। जस्ट यू नो हो सकता है आपको कुछ लोगों को, जो लोग बहुत साइकिक हैं जिनका बहुत अच्छा एक्टिवेशन हो रखा है, वो लोग शायद ग्रीन कलर को विजुलाइज या फिर उनको ग्रीन कलर आना स्टार्ट भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा,
ठीक है, हार्ट चक्र पे आपने फोकस करना है, अपने हार्ट चक्र को फोकस करते रहिए एंड आंखें बंद करनी ऑब्वियसली, एंड विजुलाइज कि आपका जो हार्ट चक्र है वो प्रॉपर घूम रहा है, ग्रीन कलर का है एंड जो ग्रीन एनर्जी है वो वहीं पर है, आपके हार्ट चक्र पे है एंड वो ग्लो होती जा रही है। बेसिकली मैं इसका प्रॉपर मेडिटेशन भी शेयर कर दूंगी, बट फिलहाल के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कोई ऐसी हीलिंग शेयर करूं जिसमें किसी भी टाइप की अट्यूनमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो, तो दिस इज़ द वन फॉर यू। ठीक है, विजुलाइज करना जो आपका हार्ट है वो ग्रीन लाइट में पूरा फिल हो चुका है एंड वो बहुत जो ग्रीन लाइट है वो एक्सपेंड हो रही है, वो फैल रही है। यू हैव टू विजुलाइज दिस। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, थिंक अबाउट दैट पर्सन। सपोज करें कि आप अपनी मदर या अपने फादर के लिए कर रहे हैं, यू हैव टू विजुलाइज योर मदर। सपोज करें एग्जांपल, अपनी मदर का फेस को विजुलाइज करें, ठीक है, एंड आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो लव है, उसको आपने फील करना है। ये बेसिकली जो पॉइंट है ये आपको कनेक्ट करेगा उस पर्सन की एनर्जी से जो भी, जिनके लिए भी आप ये कर रहे हैं, या आपकी मदर से अपने फादर के लिए या फिर कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन। आपने विजुलाइज करना है जो भी आपने हैप्पी मोमेंट्स उस पर्सन के साथ बिताए हैं। एंड एक और चीज़ आपने करनी है, यू हैव टू यू नो फील दैट इमोशन, दैट लव इमोशन फॉर दैट पर्सन। ये कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत जल्दी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने हार्ट पे आपने ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन फ्लेम को इन्वोक किया हुआ है। अब विजुलाइज करें कि धीरे 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 एक बॉल क्रिएट होती जा रही है, एक ग्रीन कलर की बॉल क्रिएट यहाँ पे होती जा रही है एंड उसको ऐसे बाहर निकालना है। विजुलाइजेशन है, सब कुछ विजुलाइज करना है। ऐसे बॉल बन के बाहर ऐसे आ चुकी है, अब ये बॉल रेडी है इस पर्सन के पास जाने के लिए। अब विजुलाइज करें कि ये जो बॉल है ये उस पर्सन के पास जा रही है एंड देन नेक्स्ट आपने विजुलाइज करना है कि जो पर्सन है वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, इट्स ऑल अप टू यू, उसके सर पे ये बॉल है, वो धीरे 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 उसे क्राउन चक्रा से होते 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 ऐसे अपने बॉडी में फैल रही है। पूरी बॉडी है वो ग्रीन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है एंड सपोज करें किसी को कुछ लंग प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है सपोज करें, तो विजुलाइज करें कि जिनका हार्ट प्रॉब्लम वो बिल्कुल सही हो रहा है। पूरा उस पर्सन को ग्रीन फ्लेम में विजुलाइज करें एंड विजुलाइज करें कि जिनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। ये थोड़ा सा फोकस एंड विजुलाइजेशन वाला काम है, बट आई नो आप सब कर लेंगे एंड ये जो चीज़ है ये एक्चुअली बहुत पावरफुली काम करती है। ठीक है, एंड आप एक और चीज़ विजुलाइज कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो खुद आके आपको बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, बट मेक श्योर कि वो जो पर्सन है उसकी पूरी बॉडी ने वो ग्रीन जो फ्लेम है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है एंड वो जो पर्सन है वो पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है। सी बेसिकली ग्रीन ऑल्सो इज अ कलर ऑफ हीलिंग, सो ग्रीन फ्लेम को हम लोग हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं एंड ट्रस्ट में ये बहुत मैजिकली काम करता है। अगर आप बहुत ट्रस्ट के साथ अच्छे से इसको करेंगे तो जो भी पर्सन है आप उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे ही देखेंगे। ऐसा आपने 5 से 10 मिनट तक करना ही करना है डेली। अब सवाल आता है कब तक इसे करना है। द पॉइंट इज दैट कि आप इसे जितना दिनों तक करेंगे ये उतने अच्छे से काम करेगा। आप चाहें तो 1 या 2 बार इसे कर सकते हैं, बट जो मेरा पर्सनल सजेशन है, सपोज करें बहुत कोई इमरजेंसी केस है, आप उस पर्सन को दिन में 2-3 बार इसे भेज सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करें कोई पर्सन है वो काफी टाइम से बीमार चल रहा है, तो कम से कम उस पर्सन के लिए इसको 30 डेज तक करें। ठीक है, आप बेशक थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज ले लें बिकॉज आप अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट, बट प्लीज इसको रेगुलर करें, डेडिकेशन के साथ करें, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। सपोज करें काफी ऐसे लोग हैं जिनके घर में एनिमल्स हैं, पेट हैं, एनिमल कोई भी हो सकते हैं, काउ हो गई या फिर डॉग, कैट, एनी कोई भी आपके पास आपका पेट है, कोई एनिमल है, आप उनके लिए भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये उनको भी हीलिंग में हेल्प करेगा। इनफैक्ट जो एनिमल्स हैं वो बहुत जल्दी ऐसी हीलिंग्स को लेते हैं, तो आप एनिमल्स पे भी इसे कर सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जब आपके 5 या 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपने अच्छे से ग्रैटिट्यूड फील करते करते अपने आप को वापस लेके आना है। ऑब्वियसली बातें आंखें बंद करके सब कुछ करना है, विजुलाइजेशन का सारा खेल है, आपने कुछ नहीं करना है, आपका बैठे बैठे आपका जो हायर सेल्फ है वो सब कुछ काम करने वाला है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें से खत्म करने के बाद आपने सबको थैंक यू बोलना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपनी सोल को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रीन फ्लेम को थैंक यू बोलना है, बिकॉज ग्रीन फ्लेम के बिना ये जो हीलिंग है ये पॉसिबल नहीं थी। आप जो पर्सन है जिन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है हीलिंग करने के लिए, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, दिल से थैंक यू बोले एंड एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन या फिर एट द एंड ऑफ द विजुलाइजेशन यू हैव टू विजुलाइज कि वो जो पर्सन है वो खुद आके आपको बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ एंड ट्रस्ट में ये काम करेगा। अगर आप किसी पेट या एनिमल के लिए से कर रहे हैं, जस्ट सिंपली विजुलाइज कि जो एनिमल है, जो पेट है आपको, बहुत खुशी से कूदता हुआ आपके पास आ रहा है, फिर कोई डॉग है, कोई कैट है, जस्ट विजुलाइज कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन यू हैव टू विजुलाइज दिस। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, अगर आप ऐसी हीलिंग्स करते हैं, आप रेकी करते हैं, कुछ भी करते हैं, डोंट डाउट
ठीक है, बेसिकली इट्स नॉट यू, जो आपके आसपास एनर्जीज हैं वो आपका ही काम कर रही हैं, आपकी बस इंटेंशन यू नो उनको हेल्प करी डायरेक्शन देने में. सो बेसिकली आप में डाउट करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, डाउट बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि मैंने हीलिंग सेंड कर दी है एंड ये काम कर रही है. बट हाँ, डोंट बी डेस्परेट. अगर आपने ओरल रेकी 1% अगर सीखी भी है 1% जस्ट इन केस, तो आपको पता होगा कि हमें बिल्कुल भी रिजल्ट से आउटकम से अटैच नहीं होना है. ठीक है, बेसिकली अपने तरीके से काम करते हैं तो आपको रेगुलर रहना इस चीज़ में एंड ये चीज़ें काम करेंगी. ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने कुछ नया आज इस वीडियो से सीखा होगा एंड आई होप आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं इस टेक्निक से कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली बात, अगर आप लोग रेकी वगैरह में नहीं है तो आप कोई भी इसे कर सकता है. अगर आप लोग रेकी में है तो आप रेकी के साथ भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं. पर्सनली मैंने काफ़ी सारी हीलिंग सीखी है बट स्टिल मैं इस हीलिंग को भी अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ. उसुई हो गया, करुणा हो गया, मनी रेकी हो गया. मनी रेकी में भी कभी कभी काम करता है. मनी रेकी में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं बाय द वे, बिकॉज ग्रीन ऑल्सो इज अ कलर ऑफ मनी बाय द वे. ठीक है, यूनिकॉर्न हीलिंग हो गया, अष्टलक्ष्मी हीलिंग हो गया, तो बहुत टाइप की हीलिंग्स जो मैंने खुद सीखी हुई हैं. बट ये बहुत सिंपल सी बहुत अमेजिंग हीलिंग है जो मैं आज भी करना प्रेफर करती हूँ अपने प्रैक्टिस में. एंड आई होप आप सब भी इसे ट्राई करेंगे एंड आई एम श्योर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. बट हाँ, डेस्परेट नहीं होना है, बहुत ग्रीडी नहीं होना है रिजल्ट्स के लिए. ये चीज़ें अपने तरीके से काम करती हैं, ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है, दैट इज इट. ठीक है, सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय.